तो बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, आने वाली बहुओं की इनर क्वालिटी को भी जानना चाहते हैं। जी हाँ, आज हम पता करने वाले हैं अंतर सौंदर्य, जी हाँ, इनर क्वालिटीज ऑफ टेक्नोमेट्रिक फैमिली। भैया हमको कॉस 45 जरा बताना। इन्होंने आपसे कहा कॉस 45, आपने कहा लाल बटे कक्का, उसने कहा सर आधार बटे कर्ण। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं आपका मास्क का दोस्त सौरभ गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द स्टडी एक्सपर्ट। दोस्तों पिछली टेक्नोमेट्रिक की क्लास में हमने टेक्नोमेट्रिक के बेसिक नियम को देखा था, जहां जाना था कि टेक्नोमेट्री एक परिवार है 6 लोगों का जिसमें 3 कपल थे, जहां पर मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि उस परिवार के मुखिया हैं 10, जिनके साथ उनकी वाइफ हैं कॉट और साथ ही साथ 2 और कपल भी हैं। इस बारे में हमने आपको पहले उनकी इंडिविजुअल पहचान बताई थी। जी हाँ, लोगों की हमने अपनी इंडिविजुअल, मतलब देखिए इंसानों की 2 प्रॉपर्टियां होती हैं, एक वो बाहर से समझ में आते हैं और एक आते हैं उनके अंदर से। तो क्या हुआ कि यहाँ पर 10 थीटा और कॉट थीटा एक परिवार हैं, उनके 2 बड़े बच्चे थे कॉस और सेक, उन दोनों की शादी हुई। कॉस की शादी हो गई साइन के साथ और सेक की शादी हो गई कॉसेक के साथ, परिवार पूरा हो गया। और अब परिवार पूरा हो जाने के बाद में सबकी जो अलग अलग प्रॉपर्टी थी, अब वो बनने वाली है कंबाइंड प्रॉपर्टी में। मतलब क्या कि हमारी इंडिविजुअल जो बाहर जो एक्सटर्नल ब्यूटी थी वो हमने टेक्नोमेट्री में ट्राइटेंगल के सहारे समझ ली। जी हाँ, बाहरी स्वरूप को तो हमने समझ लिया, लेकिन जब शादी हो गई तो बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, आने वाली बहुओं की इनर क्वालिटी को भी जानना चाहते हैं। जी हाँ, आज हम पता करने वाले हैं अंतर सौंदर्य, जी हाँ, इनर क्वालिटीज ऑफ टेक्नोमेट्रिक फैमिली। जहां पर आप ऐसे समझिए कि पिछली बार हमने त्रिभुजों की भुजाओं के आधार पर तो इनको पहचाना था, आज हम सीखेंगे कि त्रिभुजों के अंदर जो बनते हैं कोण। जी हाँ, यही है इनर क्वालिटी, कि त्रिभुजों के अंदर के कोण के बिहाव पर हम टेक्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे समझ सकते हैं। जी हाँ, कोणों के आधार पर टेक्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे पहचाना जाए, आज हम जानने वाले हैं अपनी इस क्लास में। तो दोस्तों शुरू करते हैं टेक्नोमेट्रिक बेसिक लेक्चर 2 की पहली क्लास। जी हां, जिसमें सबसे जरूरी चीज दोस्तों आपको बता दूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो एंगल चाहिए 0, 30, 45, 60 और 90, ये 4 अगर आपको याद हो गए तो उसके बाद मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसमें आपको सारे के सारे टेक्नोमेट्रिक रेशियो याद हो जाएंगे। तो उसमें भी 0 से लेकर 90 में भी जो सबसे ज्यादा जरूरी आपको याद रखने हैं वो 30, 45 और 60 रखने हैं। तो बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं शुरू करूंगा अपनी अगली क्लास। तो दोस्तों अगली क्लास में सिंपल सा एक काम करिए, सबसे पहले 3 राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, एक 45 डिग्री का, एक 30 डिग्री का और एक बना लीजिए 60 डिग्री का। जी हां, देखिए दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी अभी मेरी इस क्लास को देख रहे होंगे जिनको साइंस कॉस 10 कॉसेक इन 6 हो टेक्नोमेट्रिक रेशियो के सारे मान याद होंगे, लेकिन मैंने आपसे क्या बताया था, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जोड़ करके मैं आपको ये चीज याद जरूर करा दूंगा। तो इसमें क्या होता है, ये आ गया हमारा 30 45, ये आ गया 60। तो 45 में क्या होता है, ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये 1-1 है, तो पाइथागोरस ने बताया था 1√2 हो जाएगा। इसमें क्या है, ये 1, ये बढ़ा दीजिए √3 तक, ये हो जाएगा 2। अब इसमें क्या, 60 में इसको रखा गया, इसको बढ़ा दिया गया √3, तो ये भी 1 और √3, ये भी कितना आएगा 2। अब आप कहोगे सर इतना काहे बता रहे हो, सर इसलिए आपको इतना बता रहे हैं क्योंकि सर ने जब आपसे कहा कि भैया हमको बताओ कि sec 30 कितना होता है, तो आपने कहा कि sec 30, तो आपने पूरी टेबल में गए और इधर उधर बनाना शुरू किया, तो उतना याद नहीं करना है। करना क्या, हमसे समझिए, पहले तो sec थीटा आप लोगों को मालूम है बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि कर्ण बटे आधार होता है, ठीक है आप पक्का। अब एंगल कौन सा दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है, आप सीधे
इन तीनों ट्राइंगल में 30 डिग्री ये हो गया। अब क्योंकि कोण यही है तो लंब आधार और कर्ण में कोई कंफ्यूजन नहीं। सेक थीटा में कर्ण कितना हो गया 2, आधार कितना हो गया √3। लीजिए सामने आ गया सेक 30 की मान। अब बताइए याद है कि नहीं है। और ये चीज इसके लिए मैंने पिछली क्लास में आपको लाल बटे कक्का भाई साहब से इंट्रोड्यूस करा दिया गया था। बहुत ही हेल्पफुल पर्सन है, पूरे परिवार को मिलाएंगे आपको और एक एक चीज बताएंगे। मतलब ये वो राजदार है इस परिवार के, जो इस परिवार की छोटी से छोटी बातों को पहचानते हैं। तो लाल बटे कक्का से अपना रिश्ता थोड़ा मजबूत कर लीजिएगा। अब दोस्तों मैंने आपसे पूछा, आपने इतना बताया, मैंने कहा नहीं 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 मुझे अभी नहीं, अभी अभी अब मुझे आप ये बताइए कि साइन 60 का मान कितना होगा। हमने कहा अच्छा साइन 60 का मान पूछना चाहते हो, बिल्कुल बताया जाएगा। पहले आप बताओ साइन 60 बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। बिल्कुल सही, लाल बटे कक्का पारिवारिक मुखिया। अब बात चलते हैं 60 में लंब देखा जाए तो √3 और कर्ण देखा जाए तो 2। ये लीजिए, यानी कि साइन 30 का मान होता है √3/2। तो मजा आया कि नहीं आया, इसका मतलब 30, 45, 60। अब देखिए अक्सर आपसे 45 पूछेंगे, उसका भैया हमको कॉस 45 जरा बताना। इन्होंने आपसे कहा कॉस 45, आपने कहा लाल बटे कक्का, उसने कहा सर आधार बटे कर्ण। और जैसे ही आधार बटे कर्ण कहा, आपने आधार आ गए 1 और कर्ण मिल गया 1/√2। ले भैया, यानी कि साइन 45 या कॉस 45, चाहे 1/√2 या 1/√2, यानी कि कॉस 45 तो भाई 1/√2 होता है। आसान हो गया, वाह भाई वाह। ये देखिए चीजें बड़ी आसान हो गई कि नहीं हो गई। यानी कि साइन कॉस टेन जो आपको नहीं याद आता था, बस केवल ये तीन ट्राइंगल याद रखने हैं। और तीन ट्राइंगल केवल यहाँ के लिए नहीं रखने हैं, अभी हम हाइटेज निश्चय लाएंगे आपके पास, वहां पर तो आपको और मजा आना चाहिए। लिटरली विश्वास करिए आपको और मजा आने वाला है, तो कहीं नहीं जाइएगा। वीडियो को शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए। जितने ज्यादा लोग भाई आएंगे, हमें भी अरे अंदर भी उतना ही ज्यादा उत्साह होगा, उतनी ही ज्यादा बातें आपको बताने का मन करेगा। तो अगर हम आपके लिए यहां पर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारे लिए कुछ तो कर ही सकते हैं ना। कुछ नहीं तो शेयर कर दीजिए, शेयर करने के कोई पैसे तो लगते नहीं है, वैसे भी पढ़ाई हम आपको फ्री ही दे रहे हैं। तो कुछ नहीं, हमारे लिए जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम 25 लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। जी हाँ, कम से कम 25 लोगों के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि आप ही लोग हैं जो इस चीज को आगे ले जाएंगे। शिक्षा की मुहिम है दोस्तों, बांटने से बढ़ेगा। आज जब पूरी शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, एक हिम्मत दिखाई है मैंने आपको एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड करने के लिए, तो मेरी हिम्मत आपके साथ तब तक रह पाएगी जब अब तक आप मेरे साथ हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और हमें दिखाना है लोगों को कि भाई एजुकेशन फ्री में भी दी जा सकती है। पढ़ेंगे दोस्तों 30, 45, 60। हाँ भाई, ये तो सर हमको याद हो गए, ये इसमें तो अब कुछ होना ही नहीं है, जहां दिखेगा वहां इसको गिरा लेंगे। ठीक है भाई, लेकिन सर समस्या है। क्या समस्या है सर? 0 या 90 का मान आ गया। आपने कहा था ना 0 और 90 से काम चल जाएगा, तो 30, 45, 60 तो आपने हमको बता दिए, लेकिन अब हमारी समस्या सर ये है कि 0 और 90 का मान कैसे आएगा। कोई बात नहीं, 0 और 90 का मान भी यहीं आएगा, अभी आपको मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों इसके लिए आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी होगी, तो एक बार काम करते हैं हम लोग उस टेबल को यहां पर बनाते हैं, और उस टेबल को याद रखने का अभी मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं, बड़ा बढ़िया तरीका, मतलब मजा आ जाएगा बस इतना समझो। तो करना क्या है, एक तरफ तो आप उतार लो यहां पर साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट को, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। ठीक है, और इसके आगे एक 0 डिग्री का 30, 45, 60 और 90। बोलिए बचपन में यही तो पढ़ते आए थे आप, बोलिए आए थे कि नहीं आए थे। अच्छा, इनमें भी मैंने ऑलरेडी आपको इनका तो मान बता ही दिया 30, 45 और 60 का। आपने क्या बताया, 0 से 90 की समस्या थी ना, तो
तो बड़ा आसान सा बात आपको बताते हैं जीरो से नब्बे के लिए। अच्छा दोस्तों, यहां पर एक कहानी की बात हो रही, तो छोटी सी आपको कहानी सुना देता हूं। कहानी क्या थी कि इस परिवार में मैंने बताया ना टेनर कॉर्ड थे, उनके दो बेटे थे, एक कॉस था और एक सेक था। तो कॉस की शादी हो गई साइन से और सेक की शादी हो गई कॉसेक से। शादी के बाद जब पूरा परिवार बैठा तो टेन ने, मतलब परिवार के जो बुजुर्ग थे, उन्होंने उनको टास्क दिया कि भैया अब आप लोगों को बताना है अपने अपने बारे में अलग अलग चीजें। जी हाँ, जैसे इंटरव्यू नहीं होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आप बताते हो ना हाई स्कूल इंटरमीडिएट, तो यही है इनका स्कूलिंग, हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ यही है, अब आपको बताना है। अच्छा, मामला कहां फंसा? जब उन्होंने कहा बताने के लिए साइन कॉस से बताया, दिक्कत क्या हो गई? उन्होंने कहा ठीक है, सबके बारे में हमको भी पता चल जाएगा। भाई आजकल की बहुएं देखो शांत नहीं होती, जितना आप पूछोगे पलट करके आपसे भी पूछेंगी। उन्होंने कहा जी हाँ बाबूजी, ये तो ठीक है, हम भी अपने हस्बैंड के बारे में कुछ जान लेंगे। मामला खड़ा, अब मामला गड़बड़ा गया। जैसे ही हस्बैंड के बारे में जान लेंगे, दिक्कत समझते हो क्या है? दिक्कत यहां पर ये थी कि वो जो दोनों लड़के हैं ना कॉस और सेब, ये दोनों पढ़े लिखे नहीं थे। बहुए तो आप पोस्ट ग्रेजुएट उठा ले, लड़का आपका हाई स्कूल नहीं पास, अब दिक्कत तो ये करेगी भाई। क्रॉस क्वेश्चन तो आज की बहू करेगी, ये 90s की बहू नहीं। कहते नहीं 90s में लड़कियां सोचती कि सास कैसी मिलेगी, आजकल के समय में 21st सेंचुरी में सास सोच रही है कि भैया हमको बहू कैसी मिलेगी। तो ये जमाने की बात थी। टेन ने तो मामला फंसा दिया। अब कहा गया कि सब लोग अपनी अपनी वैल्यू बताओ। टेन ठीक है बताते हैं। तो साइन ने बताया कि भैया वो जो हमारा जीरो डिग्री वाला मामला था ना, उसमें तो हमको जीरो नंबर मिले थे, जीरो नंबर मिले थे। मतलब क्या हुआ कि शुरुआत हमने कहां से करी? जीरो का। 30 का उसने बताया कि हमको 1/2 मिला था, इसको 41/√2, यहां √3/2 मिला था, और यहां पर हमको पूरे नंबर एक मिल गए थे। साइन ने बता करके छुट्टी मार दी, कि हमको ऐसे मिला था। अच्छा, जो दूसरी थी वो साइन के घर की ही थी, वो उनके जस्ट उल्टा चल रही थी, तो उनके बारे में बाद में बात करेंगे। जब साइन ने अपनी पूरी एजुकेशन बता दी, कह दिया कि भैया हम क्या हैं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये हमारे रहे नंबर थ्रू आउट हाई स्कूल टू पोस्ट ग्रेजुएशन। अब भैया हमारे पतिदेव, पतिदेव कौन? जी हाँ, कॉस। अब यहीं पर मैं आपको प्रूव करने वाला हूं आखिर साइन के हस्बैंड कॉस ही क्यों। तो कॉस से कहा गया, कॉस भैया अब आप जरा अपने नंबर बताओ। अब क्या, अब कॉस को मानो काटो तो खून नहीं, खून कहां से? भैया जब पढ़े लिखे नहीं हो तो अपने नंबर कहां से बताओगे? लेकिन कहते ना, जो पढ़े नहीं होते वो कढ़े बहुत होते हैं। तो कॉस ने कहा, यार दिमाग लगाया कॉस ने, चलो आज हम एक नंबर बता देते। अब नंबर वो बताएं तो क्या बताएं भाई, नंबर बताने के लिए पता चला गड़बड़ कर दियो, 500 का पेपर होता था, नंबर बता दिया 800। तो उन्होंने, कॉस ने दिमाग लगाया। अब देखो दिमाग क्या लगाया, कॉस ने कहा कि भैया वो जो जीरो डिग्री वाली क्लास में ना हमारे नंबर एक थे। साइन को राहत मिली, चलो हाई स्कूल तो पास है। कहते नहीं हमार मरद हाई स्कूल पास, कहीं ठीक। फिर उसने कहा 30 पर जो है ना, जो 30 पर है वहां पर हमको मिले थे नंबर √3/2। अच्छा, जैसे कॉस ने इतनी बात बोली नहीं कि साइन का पारा हाई। अब पारा हाई का है के लिए कि भैया ये मामला क्या कर रहा है, वो तुरंत से उसने समझ लिया मामला क्या है। भाई पीजी आदमी को बेवकूफ बनाना इतना आसान तो है नहीं। उन्होंने कहा अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम तो हमारे ही नंबर को उठा करके पीछे से डाले दे रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। और भैया साइन का गुस्सा सातवें आसमान पर कि ये कब क्या नाटक बना के रखा है, नहीं पढ़े लिखे थे तो हमको बता देना चाहिए था, शादी नहीं करते, ये वो फलाना धमाका, बर्तनों की आवाज, बैकग्राउंड म्यूजिक सब शुरू हो गया। अब हस्बैंड भैया मामला देखो, गृहस्थी दो पहियों पर चलती है, एक हस्बैंड और एक वाइफ, दोनों में से कोई इधर उधर गया नहीं कि ठप हो गया मामला। ये कॉज बहुत अच्छे समझता था, उसने कहा अरे अरे क्या बात करती हो भाई, यहां पर तो 45 पर हम लोग तो सीधे सीधे वन अप, हमारा भी तो नंबर 1/√2 था। अब देखो हस्बैंड वाली क्वालिटी समझिएगा, वाइफ पूरब तो हस्बैंड पश्चिम, वाइफ दिन
तो हस्बैंड रात, मतलब यही तो है पति पत्नी का राज। समझ रहे हैं कि नहीं भाई? क्या होता है अगर हस्बैंड कह रहा है कि भैया हमको दाएं जाना, हो वाइफ बोलेगी नहीं हमको बाएं जाना है। लेकिन भारतीय संस्कृति को देखिए कितनी मजबूत है। हस्बैंड और वाइफ बहुत रेयर केसेस में, भैया आप लोगों का एग्जाम्पल तो नहीं पता, लेकिन मेरा एग्जाम्पल मुझे इतना पता है कि हस्बैंड और वाइफ बहुत रेयर केसेस में एक साथ आते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति की सुंदरता देखिए कि विचार नहीं, ना मिले, मन मिले ना मिले, लेकिन एक दूसरे का साथ बना रहता है। और यही है हमारी भारतीय संस्कृति। तो भैया यहाँ कॉस ने जैसे कहा 45 पर 1/√2, तो साइन को लगा यार हो सकता है सही बोल रहा हो। और खुद कहते नहीं कि दोस्तों एक राज की बात मैं आपको बता दूं, बीबियां जितनी जल्दी आपसे नाराज होती है ना, उससे दुगनी तेजी से आपके मनाने से मानेंगे भी। एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो यहां पर साइन क्या हो गई, तुरंत मान गई, खटाक से मान गई। अब भैया जैसे कौश ने देखा साइन मान गए, तो पति की आदत पुराने ढर्रे पर तुरंत लौटा और खट से बोला ये हमारा 1/2, ये हमारा 0, बात खत्म। कौश तो अपनी प्रॉपर्टी बता के निकल लिए। अब दोबारा नाराजगी हो गई भैया साइन की। साइन बहुत नाराज कि ये मामला क्या बेवकूफ बना के रखा हुआ है, ये वो तमाशा, दुनिया भर की कहानी वहीं शुरू हो गई। अब लेकिन कहे तो क्या कहे, हस्बैंड तो सुनने से नहीं रहा। तो आप बताइए क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात, जो आप वो सोच रहे वो मैंने भी सोचा। साइन सीधे पहुंची किसके पास? 10 के पास। वो 10 के पास पहुंची भाई, घर के बड़े बुजुर्ग पिताजी थे, तो बताए वो पिताजी देखिए ये सब ऐसा नहीं चलेगा, इनसे कहिए कि अपनी मार्कशीट हमको दिखाएं आज। ये क्या कर रहे हैं कि हमारे जो नंबर थे उठा करके पीछे से चेप दिए हैं। पिताजी भी कहें कि भाई मामला तो गंभीर। अच्छा पिताजी अपने बेटे को तो बड़े अच्छे समझते थे, अब पिताजी अपने बेटे को अच्छे से समझते ही हैं, सारे दुनिया के पिता की ये बात है। तो पिताजी ने कहा यार मामला तो सही है, बुलाया उन्होंने कौस को, हौका ये क्या करते हो, वो क्या करते हो। अच्छा अब फिर जब अपने हस्बैंड को डांट खाता देखा तो साइन फिर, अब हस्बैंड को भाई डांट खाता तो वाइफ नहीं देख पाएगी, तो कह रहे अरे पिताजी छोड़िए वो सब हमारा मसला, तुरंत देखो तुरंत। अरे सर वो हम, अरे पापा जी वो हमारा मसला है, हम लोग आप में समझ लेंगे, ठीक ठीक। टेन भी कहेंगे ठीक ठीक। लेकिन उतनी देर में साइन ने छोटी सी चिंगारी और लगाई, कहा पिताजी अच्छा जा आप बताइए आपका मामला क्या था। अब पिताजी कहेंगे तो मामला यार फिर फंसा दिए। खैर उनकी पहली जनरेशन थी तो वो बेचारे एक्सक्यूज भी दे देते, लेकिन अब एक्सक्यूज कैसे दे दें, मर्दों का खून इतनी जल्दी शांत थोड़ी होने वाला था। उन्होंने दिमाग लगाया, उन्हें कहा बेटा समझो, तुम मतलब तुम कौन, साइन और कॉस, तुम दोनों मेरे ही तो अंदर हो, कैसे हो ये आपको बताया था, कैसे हो। कहा भैया तुम दोनों मेरे ही अंदर तो हो, साइन अपॉन कॉस कर दिया उन्होंने। कहा भाई तुम दोनों हमारे साइन और कॉस, जैसे तुम लोगों मेरे अंदर हो, तुम लोगों के नंबर भी उसी तरह मेरे अंदर हो गए। क्या कैसे हो गए कि भैया 0 पे साइन तुम्हारा 0 था, कॉस का 1 था, यानी हमारा भी 0 मामला हो गया। घुमा के पिताजी ने पहना दिया। कोई भी बाप कभी भी अपने बेटे को सीधा सपोर्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल यहां दे दिया कि भैया सपोर्ट किसको करना था, अपनी बहू को, क्यों, खाना तो वहीं से आना था, तो उन्होंने उठा करके अपनी बहू को सपोर्ट कर दिया। अच्छा इस मामले में बहू शांत हो गई। बस अब क्या था, टेक्नोमेट्रिक की निकल पड़ी 10 के सीधे उन्होंने अगले में वाला, दोनों बताया कहा भैया 1/√3, यहां 1 हो गया, यहां √3 हो गया, और यहां 1/0 यानी इनफाइनाइट हो गया। बस उसके बाद क्या था, जैसे 10 ने बोला और कॉट, तो उनकी वाइफ कहीं हमको क्या फर्क पड़ता है, और आओ पीछे से उठा के चेप दो, इनफाइनाइट √3 1/√3, और इन्होंने यहां 0 बोल दिया। कौशिक एक बीबी पढ़ी लिखी मिल गई तो दूसरी ने तो चाप दिया कि उसने कहा कि भाई भाई साहब ने पीछे से कॉपी किया था तो पकड़ लिए गए थे, हम नीचे से कॉपी करेंगे। नीचे से कैसे, वही कॉस साइन का उल्टा वाला मामला जो बताया था, उसने 0 को 1/0 कर दिया तो उसका इनफाइनाइट हो गया। 1/2 से 2 हो गया, 1/√2 को उल्टा किया √2 हो गया, ये 2/√3 हो गया, 1 को 1 उल्टा करो 1 ही रह जाएगा। और जैसे इस कौशिक ने अपनी बात बताई, शेख भाई साहब तुरंत सीना चौड़ा करके सामने आया कि ये लो, उन्होंने कौशिक को भी पीछे उठा के पलट दिया, का 1 2/√3 √2 और इनफाइनाइट, बड़े भैया से पीछे थोड़ी ना है हम। तो इस तरह से लड़ते भिड़ते ही सही, सभी लोगों की अपनी एक इनर क्वालिटी निकल के आ गई।
बताने का दोस्तों यहां पर केवल मुद्दा मेरे पास इतना है कि जीरो से शुरू करना है कि जीरो से शुरू करना है और वन तक आना है, और कॉस को फिर वही वन से जीरो तक जाना है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लग रही है? क्या ट्रिग्नोमेट्री को अगर मैं इस कहानी के साथ आपको बता पा रहा हूं तो क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं, बताइएगा। इसी कहानी के अंदर, मतलब देखिए दोस्तों, मैं किस जो भी कहानी आपको बता रहा हूं इसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है। यदि किसी घटना से इसकी समानता हो जाती है, इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ये डिस्क्लेमर में आप लोग रख लीजिएगा। अच्छा, ये चीज तो आपको समझ में आ गई, चलो ठीक, मैं मान लिया। अरे मान लिया भैया, आपको जीरो से नब्बे तक कोई हिला नहीं सकता है, आपको जीरो से लेकर के नब्बे तक सारा मान याद हो चुका है। लेकिन अब क्योंकि कहानियों का दौर चला है तो एक छोटी सी कहानी अभी और मैं आपको साथ साझा करना चाहूंगा, और जितनी कहानियां हैं इनको याद रखिएगा दोस्तों। मैं ये चाह रहा हूं ना कि आप शिक्षा को बांटिए। अगर किसी बच्चे के पास नेट नहीं पहुंच पा रहा, हालांकि रिलायंस महोदय जिंदाबाद, जियो बाबू जिंदाबाद, आज सबके पास नेट है, बट इन दैट केस अगर किसी के पास नेट नहीं है तो जिस तरह मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप उसी तरह किसी और को भी समझाइएगा। इससे होगा क्या, पढ़ाने से अपनी मजबूती तो आ ही जाएगी। दूसरी कहानी क्या आया, यहां पर एक शब्द आया, ये देखिए ये शब्द आया, यहां पर हमने बोला इनफाइनाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं अनंत। तो जब अनंत की बात आई, वैसे इसके ऊपर ऐसे भी होता है वैसे भी होता है, तो जब बात आई अनंत की तो मेरे मन में कंफ्यूजन सी आई, भाई अनंत क्या है, व्हाट इज इनफाइनाइट। अब देखो अध्यात्म भी मैथ में ही जुड़ा है, कहते नहीं अध्यात्म भी मैथ से होकर ही निकला है। तो आपसे पूछा कि अनंत क्या है, तो दोस्तों अगर हम मानव समाज की बात करें, मानव की तुलना करें, तो हम ह्यूमंस के अंदर जानते हो एक नेचर आ चुका है, हम ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमें ये पर्टिकुलर चीज नहीं आती है, जैसे ईश्वर। भाई देखिए मैं पूरा आस्तिक हूं, आज भी जब महामारी फैली तो लोगों के पास सबसे पहले जो दिमाग में आया वो आया भगवान बचाएगा, अल्लाह बचाएगा, जीसस बचाएगा, वाहेगुरु बचाएंगे, यानी कि ईश्वर है। तो हम क्या हुए, हम लोग क्या किए, हम लोगों को कुछ नहीं पता अनंत, अनंत है क्या। तो अनंत पर आने से पहले अनंत आया किसकी वजह से, जीरो की वजह से आया। किसी संख्या को जीरो से विभाजित किया जाता है तो हमें अनंत मिलता है। अब बात यह है कि भैया ये जीरो क्या है, तो जीरो हमारी हिंदुस्तानी देन है। अच्छा, देने में हम हिंदुस्तानी बड़े फेमस रहे हैं भाई साहब, वो यूनिक चीजें वर्ल्ड को दी है ना, कि दुनिया भी सोच रही क्या दिया। एक हमने दिया सबसे पहले, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं, समझिएगा दोस्तों। देखिए पढ़ते तो जिंदगी भर रहेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी रहे ना कि आप भी बोर ना हो और हम भी बोर ना हो, तो चलते रहे। तो हमने दो चीजें बड़ी जबरदस्त दी, एक हमने दिया जीरो और दूसरा दिया दशमलव, दो चीजें दी हमने, मतलब 9000000000 रुपए मिले थे किसी को, और भाई साहब एक बिंदी यहां रख दी, लग गई, मतलब एक था नासी तो दूसरा आया सत्यानासी। तो हमने दो दिए। अब बात करते हैं जीरो की, तो जीरो को किसने दिया, आर्यभट्ट जी ने दिया। हिस्ट्री में कुछ और भी नाम्स हैं, वो आप लोग देख लेंगे, हमें वहां नहीं जाना है। मैंने क्या बताया, इसको केवल आप केवल एक कहानी की तरह सुनिएगा, और कोई मतलब नहीं है कि आखिर क्या है, बाकी तो पढ़ते रहेंगे। जीरो, जीरो किसने दिया, आर्यभट्ट जी ने दिया, बिल्कुल सही। अच्छा, जब आर्यभट्ट जी ने जीरो बनाया तो उनका बड़ा मन था कि भाई जीरो तो हमने बना दिया, तो जैसे बाकी नंबर होते हैं 1 2 3, उनका अपना एक पहाड़ा होता है, 1 का पहाड़ा होता है, 2 का होता है, 3 का, मतलब टेबल होती है, 2 2 4 2 3 6, 3 2 6, 3 3 9, तो जीरो का भी पहाड़ा। तो वो क्या करने लगे, वो जीरो बताने के बाद में इस पर कार्य करने लगे कि भाई हम जीरो का पहाड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों के वश हमें जीरो का पता नहीं चल पाया, और दुर्भाग्यवश आर्यभट्ट जी हमारे बीच में नहीं रहे। अच्छा, अब हमको जीरो का पहाड़ा नहीं पता चल पाया, तो होता क्या, जनरली क्या होता है, इंसान चाहे जैसा हो
जब वो नहीं रहता, जैसे सौरभ सर हैं, कल को नहीं रहे हैं, आदमी चाहे जैसा था मैथ बड़ी जबरदस्त पढ़ाता था भाई, जैसे आदमी हो भले ना पढ़ा पा रहे हो, खाली कैमरे के सामने खड़े होकर कुछ भी बोलते चले जा रहे हो, लेकिन आदमी बड़ा बढ़िया था, मैथ तो ऐसी पढ़ाता था कि कहीं पढ़ाई ही नहीं किया गया। तो उसी तरह जब क्या हुआ कि भाई ये गणितज्ञ, इतने बड़े गणितज्ञ, उनके बाद भाई गोष्ठी हुई, बड़े बड़े दुनिया के गणितज्ञ आए, उन्होंने कहा कि भाई आर्यभट्ट जी की देन, ये वो जो ऊपर भी चलता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब कभी भी कोई वैज्ञानिक नहीं रहता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि वैज्ञानिक था तो शांत नहीं बैठा होगा, वो कहीं ना कहीं किसी टॉपिक पर काम कर रहा होगा। तो पता चला आर्यभट्ट जी किस पर काम कर रहे थे, जीरो का पहाड़ा बना रहे थे। अब भाई क्या हुआ, कहीं जीरो का पहाड़ा बना रहे थे, बनाओ बनाओ बनाओ, तो उस समय दुनिया भर के गणितज्ञों ने कह दिया कि आर्यभट्ट जी की अधूरे रिसर्च को हम पूरा करेंगे, हम लाएंगे जीरो का पहाड़ा। अच्छा, बोल तो दिया कि जीरो का पहाड़ा हम ले आएंगे, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या रही, गलती क्या कर ली, कि जो उन्होंने वो पैनल बनाया उसमें उन्होंने किसी हिंदुस्तानी गणितज्ञ को नहीं लिया, नहीं तो यकीन मानो दोस्त आज हम जीरो का पहाड़ा पढ़ रहे होते। अब ले लिया, पूरी मीडिया बता दिया जीरो का पहाड़ा बनाएंगे, दुनिया भर के बड़े बड़े गणितज्ञ चालू हो गए, जीरो का पहाड़ा बनाने के लिए आए, लगे रहे, महीना भर हो गया, दो महीना हो गया, तीन, और भैया ये जो हमारी मीडिया है ना, ये पहले से बड़ी एक्टिव थी, महीने भर बाद मीडिया पूछ रही, अरे सर वो जीरो पहाड़ा बन रहा था, निकल गए भाई, महीना हो गया, दो महीना हो गया, तीन महीना हो गया, जीरो का पहाड़ा ही नहीं आ रहा। लोग बड़ा यार आश्चर्यचकित, क्या होगा क्या होगा, इस दुनिया के इतने बड़े बड़े गणितज्ञ, कहें भाई अब तो बेइज्जती हो जाएगी, क्या किया जाए क्या किया जाए। तब तक एक हमारा हिंदुस्तान का NRI टाइप का एक गणितज्ञ था, उसने कहा सर टेंशन ना लो, अब पहाड़ा हम दिखाएंगे उनको कि जीरो का क्या था, बुलाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, वहां पर दुनिया के कई सारे लोग इकट्ठा हो गए, कि कहा गया कि भैया चलो 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 चलो, एक नया नंबर जीरो, जीरो के बारे में पढ़ना है। गए वहां पर, आया, उसने कहा भाइयों जीरो जीरो अब क्या है, मात्र एक संख्या नहीं है, जीरो हमारी भावना है, जीरो उस गणितज्ञ की देन है जिसने अपना सब कुछ इस बैत को दे दिया गया। बड़ी कहानी बनाई गई। फिर उसने कहा दोस्तों, तो तब तक एक बुला रहे, ये सब तो बताते रहेंगे, पहले ये बताओ कि क्या है। तो उसने कहा कि जीरो जो है ना, आर्यभट्ट जी के नेचर के अनुसार ही है। क्या कहा, उनको किसी दुनिया के किसी भी नंबर के साथ मिला दो तो जिस तरह हमारे आर्यभट्ट जी जिसके साथ मिलते थे उसके ही हो जाते थे, उसी तरह ये जीरो भी जिस नंबर के साथ मिलेगा वो उसका ही हो जाएगा। बड़ी बढ़िया बात भाई, नकार सकते हो तो नकारो, एक तो आदमी है नहीं तो बुराई कैसे करोगे। कहीं हाँ भाई बात सही है, बड़े मिलनसार आदमी थे, जिसके साथ मिलते थे उसी के हो जाते थे। उन्होंने कहा साथ ही साथ उनको किसी से हटाया जाए तब भी वो बुरा नहीं मानते थे, मतलब वो किसी से हटा भी दे उन पर कोई भी फर्क नहीं रखते थे। कहीं ये भी बात सही बताया। कहीं ठीक सर, प्लस और माइनस तो बता दिए हो, अच्छा ये बताओ अगर उसको हम किसी के साथ जोड़ करें, तो जोड़ मतलब लड़ाई, इतने भी सहनशील आदमी नहीं थे, आप प्यार से आओगे जुड़ोगे घटाओगे तो ठीक, लेकिन गुड़ा करने की कोशिश करोगे तो वो आपको भी अपने अंदर समेट लेंगे। कहीं ना है ये भी बात सही, यानी कि जीरो का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो जीरो मिल जाता है, लेकिन पत्रकार इतने से कहां मानने वाले। कहें ठीक सर आपकी बात हम ये भी मानते हैं, अच्छा ये बताओ अगर आर्यभट्ट जी को कोई गुणा करने आया तो भैया तीन पांच चाहे उल्टा करो चाहे सीधा करो, आर्यभट्ट जी इतने शरीफ नहीं, उन्होंने कहा नहीं अपने अंदर ही कर लेंगे आपको। अभी भी नहीं शांत हुआ भाई, देखो मीडिया एक ऐसी चीज है ना, वो ऐसे नहीं शांत हुई, जब तक उसको कंट्रोवर्सियल उसमें नहीं मिलेगा वो शांत हो ही नहीं सकती। कहें ठीक आपने 0/1 किया, लेकिन अगर आर्यभट्ट जी किसी को करने जाए तब, यानी 1/0 होली वाली बात हो। अब मामला यहां पर संगीन हो गया, कहीं ना आए इस चीज को तो हमने सोचा ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि भाई आर्यभट्ट जी जैसा महान आदमी
वो जब किसी के पास कुछ करने जाएगा तो वो तो भाई सांसारिक माया से परे हो गया। जी हाँ, मतलब उसको तो जी आर्यभट्ट जी से किसी को डिवाइड करना, अरे भैया इसको क्या कर रहे हो, इसको तो परिभाषित ही नहीं किया जा सकता। जी हाँ, यानी कि ये तो हो गया अपरिभाषित। जी हाँ, कहानी दूसरी तरफ, एक्चुअली में 1/0 इज अनडिफाइंड। जी हाँ, क्योंकि जीरो के बारे को डिफाइन नहीं किया गया था, इसलिए 1/0 अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। और जो चीज अपरिभाषित होती है उसके लिए बोला जाता है कि उसे अनंत माना जाता है। जी हां, जैसे जैसे अभी आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, ईश्वर को परिभाषित करना संभव नहीं है, और जब हम ईश्वर को परिभाषित नहीं कर पाते हैं इसी वजह से उसको हम लोग अनंत बोलते हैं। एक और वर्ड है, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि धरती और आसमान अनंत पर मिलते हैं। सच्चाई क्या है? धरती और आसमान कभी नहीं मिलते, बट धरती और आसमान कहीं पर मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा क्वेश्चन हो सकता है कि धरती और आसमान जहां पर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्षितिज, जहां पर धरती और आसमान मिलते हैं। और अगर कभी आपको प्लेन उड़ाने का मौका मिले, जी हाँ भाई, जिस तरह से जमाना बदल रहा है, कभी हमने सोचा नहीं था कि हम कार चलाएंगे, तो हो सकता है कि आप लोग जब भी आओ प्लेन चलाने की नौबत आए तो याद रखिएगा कि सौरभ सर ने सबसे पहले आपको प्लेन चलाने का सबसे बढ़िया तरीका बताया था कि जब कभी भी आप अपनी एक हाइट पर पहुंच जाते हैं तो वो जो कॉकपिट होती है वो हमेशा नुकीली होती है। उसकी दो वजह होती हैं, एक क्या होता है, जो एयर का रिफ्रैक्शन होता है उसको कम करना होता है, दूसरा वो जो नुकीली पॉइंट होती है उस पॉइंट को जब आप ऊपर जाओगे ना तो धरती और आसमान मिलता हुआ दिखाई देगा। बात समझ लो, एक्चुअली में क्या है कि जब आप ऊपर जाओगे, जैसे हम रोड पर चल रहे हैं, तो रोड पर हम जमीन पर चल रहे हैं तो हमारी कार बिल्कुल सीधा जाएगी, लेकिन मान लो हम किसी हाइट पर है तो यहां पर प्लेन हमारा सीधा कैसे जाएगा भाई? हो सकता है कि ऊपर की ओर चला जाए, हो सकता है वो अपने नीचे की ओर चला जाए, तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे प्लेन चलेगा। तो पायलट्स क्या करते हैं, जब वो अपनी एक सर्टेन हाइट मिल जाती है तो वहां पर वो अपनी कॉकपिट की जो नोक होती है उसको सीधे वहां, उनको जहां धरती और आसमान मिलता हुआ दिखाई दे रहा होता है, बस उस नोक को वहां लगा देते हैं और ऑटो पायलट पे छोड़ दिया। अब क्या है, आपका प्लेन, क्योंकि धरती और आसमान है अनंत पर, तो वो प्लेन आपका बिल्कुल सीधा चला जाता है। बस यही रीजन है कि हमारा प्लेन आखिर नीचे या ऊपर क्यों नहीं होता है। ये थी एक एक्स्ट्रा जानकारी आपके पास प्लेन उड़ाने का, भी मौका मिले तो इस बात को याद रखिएगा कि पहली बार किसने बताया था। अच्छा, अब हम लोग आते हैं अपरिभाषित मामले पर। तो अब अपरिभाषित क्या हुआ हमारा? अपरिभाषित ये हुआ कि हमने ये बता दिया कि भाई जिस चीज को हम परिभाषित नहीं कर पाएंगे उसको हम मान लेंगे वो अनंत है, ईश्वर अनंत हो गया, इसीलिए 1/0 को हमने परिभाषित नहीं किया, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया? अनंत मान लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि पेपर में जब आपके पास एक बार वैल्यू आ गई कि 1090 का मान क्या होगा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1090, और वहां पर आपके पास ऑप्शन ऐसे थे, पहला ऑप्शन था अनंत माना जाता है, दूसरा ऑप्शन था जीरो, तीसरा ऑप्शन था अपरिभाषित, और चौथा ऑप्शन था वन। समझिएगा दोस्तों, एसएससी एग्जाम में जब आप पेपर देने जाते हो वहां पर कभी आपसे यह नहीं कहा जाता है टिक द करेक्ट वन, लिखा होता है टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। जी हां, हो सकता है कि वो जो चार ऑप्शन दिए गए हैं वो चारों के चारों ऑप्शन सही हो, लेकिन उन चारों सही में भी आपको सबसे सही टिक करना होता है। और यही वजह है कई बार स्टूडेंट जब एग्जाम देकर के आते हैं तो कहते हैं सर इस बार एसएससी ने कुछ गलत दिया, ये एग्जाम गलत था, ये क्वेश्चन गलत था। होता क्या है, टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट, जैसे हम यहां देखें तो 90 की देखो हम अनंत भी मानते हैं और हम क्या मानते हैं, अपरिभाषित भी मानते हैं, मानते कि नहीं मानते।
अब जब हम अनंत भी मानते हैं और अपरिभाषित भी मानते हैं, तो अगर पेपर में आ गया तो इन दोनों में किसको? तो इन दोनों में भैया हम सबसे पहले अपरिभाषित बोलते हैं, और जब हम परिभाषित नहीं करवाते हैं तब हम अनंत मानते हैं। यानी अगर अपरिभाषित है तो वो आंसर होगा, और अगर ये ऑप्शन में आपके पास नहीं होगा तब हम अनंत को लगा देंगे। यानी कि सबसे पहली प्रायोरिटी हमारे पास अपरिभाषित, देन उसके बाद अनंत। जैसे कई बार मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूं, कई बार आपके पास पेपर में दो आंसर आ रहे होते हैं, एक लिखा होता है मान लो 5/√3 और एक लिखा होता है 5√3/3। ये आपको इन दोनों में से आपको पेपर में बताना होता है कि आंसर आपका यहां तक आ रहा होता है तो पेपर में कौन सा आंसर टिक करना है। तो दोस्तों ये जो रूट होती है एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या मतलब ये भी एक तरह की अपरिभाषित संख्या है। इस कंडीशन को भी परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए हम इसको आंसर ना बता करके इसको बताते हैं, बिकॉज 3 को 5 से डिवाइड किया जा सकता है। और यही वजह है SSC के जितने भी पेपर में आप देखेंगे कभी भी रूट के रूट डिनोमिनेटर में आने वाला आंसर हो ही नहीं सकता है। 100% जो भी रूट में आएगा उसे मल्टीप्लाई करके आंसर बनाया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ बातें आपको बताना चाहता था कि अपरिभाषित और अनंत में डिफरेंस क्या होता है। स्टोरी इज अपार्ट फ्रॉम द योर एजुकेशन, वो केवल आपको जोड़ने के लिए है, अभी खत्म नहीं हुई है कहानी। आपने यहां बना दिया, शादी हो गई, इंडिविजुअल क्वालिटी हमने पढ़ ली, शादी हो गई, शादी के बाद लोगों का एक ग्रह सम्मेलन हो गया, लोगों ने एक दूसरे को समझ लिया। अब परिवार में अगली बार अगली चीज क्या आने वाली है? अब परिवार में क्या आती? शादी शुदा घरों में अब होता है ज्यादातर, सबकी बात नहीं, अब होगा लड़ाई झगड़ा। जब लड़ाई झगड़ा होगा तब बात कहां पहुंचेगी? घर के बंटवारे पर पहुंचेगी। जी हां बिल्कुल सही आपने इंडिकेट किया, अब हम अगली बार पहुंचने वाले हैं टेक्नोमेंट्री घर के बंटवारे तक। तो अगली क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार टेक्नोमेंट्री के किस जोड़े को परिवार का कौन सा हिस्सा मिला। जी हाँ दोस्तों इंतजार करिए टेक्नोमेंट्री बेसिक की हमारी अगली क्लास में, जहां पर हम बात करने वाले हैं टेक्नोमेंट्री क्वाड्रेंट्स की। और दोस्तों अगली दो क्लासेस हमारी और टेक्नोमेंट्री बेसिक्स की होंगी, और उसके बाद हम चलेंगे अपने एडवांस लेवल की ओर पर। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। नंबर ऑफ व्यूअर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंटेंट प्रोवाइडेड इन द चैनल, इस बात को याद रखिएगा। एंड ऑल्सो शेयरिंग इज केयरिंग। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास टेक्नोमेंट्री बेसिक क्लास 3 में, तब तक के लिए जय हिंद।